अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और आज हम घर में जैसे घर का काम लगा हुआ था, घर में आए हैं। इसका कलर शलर का काम बिल्कुल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि आप ये दीवार को देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर कलर हो चुके हैं। अंदर वाला कलर भी आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल ज़बरदस्त एकदम ये कलर हो चुके हैं। सीलिंग में भी बड़े ज़बरदस्त से कलर हुए हुए। बाकी ये लकड़ी शकड़ी का काम हम जा रही है, और सामने भी कलर थोड़ा बहुत रह गया, दरवाजों को कलर वगैरह कर रहे हैं। और ये आगे मार्बल कटाई वगैरह और ये सब बनाई के लिए काम जा रही है। काम आपको पता इसी तरह लगे ही रहते हैं। ये अभी किचन में भी थोड़ा बहुत काम रह गया। बाकी ये कल मार्बल वाले यहाँ से रगड़ाई करके चले गए, अभी दूसरी साइड पे रगड़ाई करनी है। वो सामने खान भाई भी लगे हुए, उनका भी काम आपको जाके करीब से दिखाएंगे। तो ये काम चलता रहेगा, आपको उसके बाद बारे में मालूम देते रहेंगे। अंदर जाके तरफ से वीडियो बना रहे हैं, अंदर ग्रेंडर वगैरह चल रही, इतनी आवाज़ नहीं आ रही, इसलिए मैंने कहा बाहर से आके वीडियो बनाओ। और बाकी आज का मौसम की सूरत हाल भी आपको बताएं तो काफ़ी धूप सी आज निकली हुई है, मौसम काफ़ी गर्म है। और खान भाई की तरफ कोई रेस्ट हमारे वो देखें, चलें वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगेगी आपको इंशाल्लाह एंड तक बने रहेंगे तो लाइक भी जरूर आदमी कर देंगे। इधर भी पॉलिश वॉलिश का भी काम लगा है, इधर इसकी कटाई वटाई हो रही है ऊपर, इधर काम जा रही है सारी। इधर आगे जाऊंगा जितना आपको दिखा नहीं सकता, काफी शोर है वो, देखिए काम अभी लगा हुआ है। चले इसके बाद प्रॉपर काम का काम अभी यहाँ पे लगा हुआ है इधर। बाकी ये अलमारी वाली अलमारी बनाई है, वो सामने अलमारी बना के लगा दी है। एक और चार्ज लगाई, अभी थोड़ी देरी हुई है इसको लगाई, इसका काम चमकी है। जैसा कि पहले आपको दिखाया था, काफ़ी धूप लगी हुई थी, लेकिन एकदम अचानक मौसम चेंज हुआ और काफ़ी बारिश शुरू हो गई। और बारिश की वजह से समझा रहा, बारिश में तो काम नहीं कर सकते थे बंदे, उनको काम रोक दिया गया। फिर आपको जूम करके दिखाते हैं बारिश कैसी स्पीड से बारिश लगी हुई है, देख सकते हैं आप काफ़ी स्पीड से बारिश लगी हुई। बारिश का एक फ़ायदा काम करने वालों को हो जाता है कि चलें अगर बारिश लग जाती है बीच में तो उनको काम से जल्दी छुट्टी मिल जाती है और वो जल्दी घर को जा सकते हैं। वैसे भी ये कुछ बंदे लगे होते हैं कुछ यहाँ पे काम करें, उनको अगर बारिश हो जाए तो ज़्यादा ही खुशी होती है कि चलें यार अब हम जल्दी घर चले जाएँ। अब देखना ये कितनी देर तक बारिश लगी रहती है। वैसे तो बारिश जिस तरह से लगी हुई इस तरह से लगता तो नहीं है कि बारिश रुकेगी, लगता है आज बड़ी देर तक बारिश रही, ऐसे ज़ोरों शोरों से बारिश जा रही है कि लगता है आज ही सारी बारिश होनी है। और बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं है कि मौसम में गर्मा की बारिश है गर्मियों की बारिश, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सर्दियों की बारिश हो और आज ही हो रही हो सारी बारिश। ऐसी बारिश हो रही है कि अंत लेवल की बारिश हो रही है। ये जो नज़ारा है ना, बिल्कुल इसको एक्सप्लेन करने के कोई जो जुमले जो है ना वो मेरे पास नहीं है। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा हुआ, एकदम ज़बरदस्त किस्म की बारिश लगी हुई है। बादल के गरजने की आवाज़ जो है ये देखिए आपको साथ आ रही होगी, साथ अंदर काम भी लगा हुआ है। ये भी आपको एक हसीन और जमील बात बताए, ये लकड़ी बड़े काफ़ी अच्छा काम कर रही है, ये भी लगा दिया इसके साथ उन्होंने, फिर छह भी लगा दिया इसके इस तरफ, और काफ़ी काम करके उन्होंने उस तरफ भी लगा दिए आज, और इसके साथ वाला भी तैयार करके इसका भी लगा दीने लगे। इधर बाहर ज़रा शोर था मचा हुआ है, वहाँ से ग्रेंडर शेंडर करें वो भी आपको दिखाते हैं कि कटाई वगैरह जो हो रही है भाई। कल बहुत बारिश हुई, आज का मौसम बिल्कुल सही आना है। ये देखें कितनी सख्त धूप लगी हुई है, अच्छी बड़ी सख्त गर्मी है धूप की वजह से। कल तो बहुत ही बारिश हुई है, इतनी बारिश लगी रही है उसकी वजह से नीचे इतना काम शाम भी नहीं हुआ, और आज उसके कसर निकालनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो आपको दिखाते रहेंगे एंड तक जो भी काम शाम हुआ। चलें फिर नीचे चल के आपसे मिलते हैं। ये जो अर्चे लगाई थी इसको दोबारा उतारे, इसमें थोड़ा डिज़ाइन विज़ाइन बनाया है, इधर भी थोड़ा डिज़ाइन बनाया है, ये देख लीजिए तो पूरा डिज़ाइन बनाया, इसके ऊपर पॉलिश वगैरह होगी, इधर भी डिज़ाइन बन गया। अभी यार ज़बरदस्त लगी, अब इसके दोबारा उधर लगाए इसी तरह, इस पर भी डिज़ाइन वगैरह बनाए, बाकी वो एक दूसरी जो थी उस पर भी डिज़ाइन बना के लगा रहे।
यह हम दीवार देख सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपर ये दीवार बन गई है, पत्थरों की दीवार, इसमें मिट्टी छट्टी डाल दिया है ऊपर, साथ साथ एक पर्दा लगता रहा, साथ में मिट्टी लगती रही है, वो अंदर देख सकते हैं ये मिट्टी वगैरह इसमें पड़ी हुई, ध्यान ज़्यादा ज़रूरत थी। ये दीवार तो अच्छे से बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, इतना नीचे वाली दीवार भी थोड़ी थोड़ी बन गई है, इसको कल तक ये भी कंप्लीट हो जाएगी, बाकी ये आज थोड़ा बहुत काम हो रह गया था जो वो भी हो जाएगा, थोड़ा सा ही रह गया था, क्योंकि आप चल के दिखाते हैं, जैसे वो सामने पत्थरों का काम लगा हुआ है, ये चलें आपको करीब से चल के दिखाते, ये पत्थर सारा लग गया, यूँ सीधा पत्थर तो आसानी लग जाता है, ऐसे जो कारीगरी का काम है, यूँ टेढ़ा पत्थर लगाना है, जैसे ये टेढ़ा पत्थर लगे, और ये एक हमारे फैन आए ज़रा, इनकी आवाज़ सही नहीं आ रही है, देखिए बिग फैन ये ज़रा थोड़ा बहुत सामान आया हुआ है पिंडी से, वैसे थोड़ा तो नहीं है, काफ़ी सारा सामान आया है, उसको लेके पहुँचाना है वहाँ से, बच्चा पार्टी भी है, यही सब वीडियो बनाने, ज़रा थोड़ा सामान पहुँचाएंगे उधर तक, ये पीछे देखें आप सब, आप देख सकते हैं पीछे वो राफे साहब जा रहे हैं, काफी सामान पहुंचा चुके, और मेरे हाथ में भी एक बैग है जो मुझे लेके जाना है, तो वो बहुत ही मुश्किल, क्या बना रहे हो, सारी वीडियो ला रहे हो, तुमसे हिलाना ही था, और ये मेरे हाथ में बैग था, यहाँ से नहीं पकड़, बंद कर वीडियो, पिछले बंद कर वीडियो, और बच्चा पार्टी मेहनत कर रहे हैं आप लोग जी, चले ये राफे साहब भी हमारे साथ हैं, राफे साहब बताएं आपका, राफे साहब बड़ा अच्छा सामान उठा रहे हैं, काफ़ी ये सामान राफे ने उठा लिया उधर से, एक और सामान ला रहे हैं हमारे मोमिन साहब, उधर उनको भी आपको दिखाते हैं, मोमिन कोई सामान में मसला तो नहीं आ रहा तुम्हारे, हैं ये देखें जी, बस बड़े इंतहाई मुश्किल तरीके से सामान पहुँचा रहे हैं हमारे मोमिन साहब, चलें जी ऊपर जाके आपसे मिलते हैं, आपको इसका डिज़ाइन जो है बिल्कुल परफेक्ट सा हो गया, ये देखिए ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल परफेक्ट डिज़ाइन, ये साथ ऊपर वो ऊपर भी गोले रख, साथ आप ये प्रिंटिंग की आवाज अच्छे से देख सकते हैं, नहीं आ रहा होगा पीछे से जाकर दिखाता हूँ, इसमें लिखा हुआ है या हय्या कय्यूम बिरहमतिक अस्तगीथ, तो आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा या हय्या कय्यूम बिरहमतिक अस्तगीथ, वो आगे जो आंच लगी हुई थी इसका भी बिल्कुल प्रॉपर काम हो गया, ये देखिए सब काम हो गया, ये इसमें लिखा हुआ हाज़ा मिन फज़्ली रब्बी,